डियर ट्रेनीज, देखो आज हम लोग आप लोग को पाम ऑपरेटर काम मैकेनिक ट्रेड में क्या क्या मशीनरी है ये हम आइडेंटिफाई कर देगा इस ट्रेड का ना। तो ये पाम ऑपरेटर ट्रेड है, उसमें ये पैनल बोर्ड है, पैनल बोर्ड में कहाँ से क्या सप्लाई किया है, कौन सा क्या चीज़ है आप लोग देख लो। हाँ, तो पहले ये इसका मेन स्विच है, तो हम लोग कुछ पावर देने के लिए कई जगह में मेन स्विच को ऑन करना होगा। मेन स्विच को ऑन करने का बाद में हम लोग इसका वोल्टेज देखना होगा कितना वोल्टेज है, क्योंकि यहाँ में थ्री फेज मोटर है, ये सब चलाने के लिए थ्री फेज सप्लाई होना चाहिए। इसमें तीन बल्ब होता है, उसमें ये दो बल्ब खराब है, तो ये हो गया फेज आइडेंटिफायर, मतलब तीन टू फेज है या नहीं है वो देखने के लिए। वो दो बल्ब खराब है इसलिए नहीं जल रहा है, लेकिन एक्चुअल में तीनों जलना था। उसके बाद ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर में ये थ्री फेज का वोल्टेज होता है मैक्सिमम 450, तो इसमें अभी कितना देखा रहा है 410। तो कोई भी हम लोग अगर थ्री फेज पंप चलाएगा, थ्री फेज मोटर चलाएगा, तब मिनिमम 400 वोल्टेज रहना चाहिए। अगर 400 का नीचे में वोल्टेज होगा तब क्या होगा, मोटर हम लोग का मोटर जल जाएगा, नहीं चल पाएगा, और चलने से भी आवाज करके स्लो स्पीड में चलेगा और मोटर जल जाएगा। इसलिए हम लोग को क्या देखना है, ये तीन फेज है या नहीं देखना है, और वोल्ट मीटर में वोल्ट कितना है वो देखना है, वो वोल्ट कितना 400 का नीचे में नहीं आना चाहिए। उसके बाद में ये सब ये मेन स्विच और थ्री फेज का मेन स्विच है, ये थ्री फेज मेन स्विच, इसको बोलते हैं ICTP। इसमें तीन कटआउट है, तीन तीन पोल है, इसलिए इसको बोलता है ICTP। और सिंगल फेज के लिए ये मेन स्विच है, इसका दो पोल है, इसलिए इसको बोलता है ICDP। उसके बाद में ये सब है, ये और ये हो गया स्टार्टर, ये स्टार्टर का नाम है DOL स्टार्टर, DOL दैट मीन्स डायरेक्ट ऑन लाइन स्टार्टर। ये इससे क्या हम लोग का पंप चलता है, वो हमें पंप है, वो पंप इस स्टार्टर से चलता है, और ये इससे ड्रिलिंग मशीन चलता है, ये ड्रिल मशीन है। ये हो गया एम्पेयर मीटर, मतलब एक मोटर चलने का टाइम में कितना एम्पेयर करंट लिया है उसको हम लोग यहाँ में देख सकते हैं एम्पेयर मीटर। नेक्स्ट आओ देखो इधर, ये हो गया ड्रिल मशीन, मतलब कोई भी मेटल का होल करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है ड्रिल मशीन का। ये एक थ्री फेज मोटर है, थ्री फेज मोटर से ये चलता है, ये बेल ड्राइव है, बेल ड्राइव थ्री फेज मोटर, ये है वाइस, इसका मशीन वाइस, मशीन वाइस, और इसको बोलता है ड्रिल शाक, उसका नीचे में ड्रिल बिट फिटिंग होता है, और ये इसको खुल के हम लोग कोई भी जॉब को यहाँ में होल करता है, करके ड्रिल शाक में ड्रिल एंगेज करके उसको ऐसा करके ड्रिलिंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया एक डीसी मोटर, एसी करंट डीसी करंट अलग अलग होता है, तो हम लोग का सप्लाई का जो ये करंट है वो है एसी करंट, और ये मोटर है डीसी मोटर, ये सप्लाई का करंट से ये मोटर नहीं चल पाता है, उसको चलाने के लिए हम लोग को डीसी सप्लाई लेना है। डीसी सप्लाई कहाँ से मिलता है, वो एक डीसी जनरेटर चला के वहाँ से डीसी सप्लाई लेके हम लोग ये मोटर चला सकेगा। नेक्स्ट ये देखो, ये है एक थ्री फेज 1 HP मोटर, 1 HP है लेकिन थ्री फेज है, उससे भी हम लोग कोई यहाँ से कपलिंग लगा के कपल करके पाम बा कुछ दूसरा चीज भी चला सकेगा, थ्री फेज मोटर। नेक्स्ट आओ इधर, हेलो। अच्छा नेक्स्ट ये है एक 10 HP मोनोब्लॉक सेंट्रीफ्यूगल पंप, उसका कैपेसिटी है, पावर है 10 HP, मतलब 10 HP ये मोनोब्लॉक है, उसका ये मोटर और पंप दोनों का साफ एक ही साफ कॉमन साफ होता है, ये
मोनोब्लॉक पंप बोलता है, उसको कैसे ऑपरेट किया जाता है, उसको एक स्टार्टर से ऑपरेट किया जाता है। वो स्टार्टर का नाम है मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर। ये ऑटोमेटिक भी होता है, लेकिन ये हम लोग के यहाँ में ये जो है वो है मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर। उसमें हम लोग जो कनेक्शन स्टार डेल्टा कनेक्शन, इसमें दोनों होता है, पहले स्टार होता है उसके बाद डेल्टा में देके उसका पावर बढ़ाया जाता है। ये एक डीजल इंजन ऑपरेटेड पंप सेट है। ये यहाँ से ये पोर्शन होता है डीजल इंजन, और ये एक सेंट्रीफ्यूगल पंप। इसका सब अलग अलग होता है, उसको एक फ्लेक्सिबल कोपलिंग से काकुल करके दोनों को एक सेट बनाया जाता है। ये डीजल पंप सेट है उसका। ये उषा कंपनी का है, उसका एचपी है 8 HP उषा कंपनी का एक डीजल इंजन ऑपरेटेड पंप सेट। एक डीजल इंजन ऑपरेटेड पंप सेट है उसका दो सिलेंडर है, उसमें एक सिलेंडर था उषा में, इसका दो सिलेंडर है और एचपी है 10 HP। उससे एक ये पंप सेट पंप को चलाया जाता है ना। ये किर्लोस्कर कंपनी का है, उसका मॉडल है TV2। नेक्स्ट, ये एक 4.5 HP का लोड मास्टर कंपनी का पंप सेट है, लोड मास्टर कंपनी से बनाने वाला। ये पार्ट डीजल इंजन है, ये पंप 4.5 HP कंपनी लोड मास्टर। ये एक इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइवेन पंप सेट है, इसका एचपी है 7 HP। उसका ये मोटर है क्रॉम्पटन ग्रिप्स का, और ये है किर्लोस्कर ब्रदर्स का ये पंप। ये दोनों को एक रिजिड कपलिंग से कपुल किया है, रिजिड कपलिंग। बाकी डीजल इंजन में फ्लेक्सिबल कपलिंग होते हैं, क्योंकि उसमें वाइब्रेशन ज़्यादा होता है इसलिए फ्लेक्सिबल कपलिंग लगाना जाता है। इसका इलेक्ट्रिक मोटर है, वाइब्रेशन कम है, इसलिए इसमें रिजिड टाइप कपलिंग है। उसको चलाने के लिए ये स्टार्टर है इधर, ये ड्यूएल स्टार्टर है। ड्यूएल दैट मीन्स डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। अच्छा, ये टीवी का ऊपर जो चीज़ है ये सब आप लोग को आइडेंटिफाई कर देगा। ओके, तो कोई भी जॉब को होल्ड करने के लिए, होल्ड करके काम करने के लिए ये है बेंच वाइस। इसका नाम बेंच वाइस है, और उस साइड में ये हम लोग पाइप को होल्ड करके थ्रेडिंग वगैरह करने के लिए, पाइप खुलने के लिए ये है पाइप वाइस। अब पाइप का काम करने के लिए ये है वी ब्लॉक टाइप पाइप वाइस है ये है, और ये तो बेंच वाइस ही है, ये दोनों बेंच वाइस है। और ये सब पाइप है, इसका साइज है 1/2 inch, 1/2 inch का पाइप है, 1/2 inch है। ये थोड़ा बड़ा साइज का है, ये है 3/4 inch का। और ये सब पाइप को थ्रेड करने के लिए ये रेड सेट टाइप ऑटोमेटिक डाई सेट है, और ये सब डाई कटर है, वो अलग अलग डाई कटर है। ये हो गया, लिखा है उसमें, देखो क्या लिखा है, 1/2 ना, 1/2, हाँ 1/2, मतलब ये 1/2 inch पाइप को थ्रेड करने के लिए ये कटर है। और इसमें देखो क्या लिखा है, 3/4, मतलब ये पाइप को थ्रेड करने के लिए, 3/4 पाइप को थ्रेड करने के लिए कटर है। और ये हो गया, ये 1 inch का है, हाँ 1 inch साइज पाइप को, मतलब ये साइज का, ये साइज का पाइप को थ्रेड करने के लिए कटर है। पाइप का कोई भी काम करने के लिए पाइप रेंच है। हो गया इसका पाइप का सॉकेट, ये सब सॉकेट है, इसको बैन बोलता है, ये सॉकेट, ये बैन। और ये होता है जीएम वेल्व, दैट मीन्स गन मेटल का होता है ये, इसलिए उसको जीएम वेल्व बोलता है। ये होता है फुट वेल्व। हम लोग जब पंप चलाएगा ना, तो पंप का नीचे में प्राइमिंग के टाइम में, प्राइमिंग का हेल्प होने के लिए नॉन रिटर्निंग वेल्व हिसाब से इसको यूज किया जाता है, वो फुट वेल्व है। तब हम लोग पंप चलाएगा तब ये इसका जो वैक्यूम होगा ना, पंप खींचेगा जब वैक्यूम होगा, तो वैक्यूम का प्रेशर से ये ऊपर चल जाएगा, साइड से ये रास्ता खुल जाएगा पंप जाने के लिए। फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब वर्कशॉप क्या होता है,
यहाँ में करंट होता है, थ्री फेज करंट, मोबिल, डीजल, ये सब बर्निंग जो चीज़ें ये सब रहता है, इसलिए यहाँ में आग लगने का थोड़ा संभावना होता है। इसलिए आग को लगने से उसको बुझाने के लिए उसका इंतजाम रखना चाहिए। तो इसका एक पार्ट है ये फायर एक्सटिंग्विशर। ये फायर एक्सटिंग्विशर जब कोई वर्कशॉप में कोई जगह में फायर हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिकल से फायर या ऑयल से फायर होगा ना, तो इसका उपयोग करके हम लोग फायर को बंद कर सकते हैं। अभी हम लोग दिखाएगा आप लोग जल जीवन मिशन का जब पाइपलाइन बनाएगा या रिपेयरिंग करेगा उस टाइम में कैसा होना चाहिए, वो हम थोड़ा एक मॉडल दिखाएगा। तो ये हो गया मेन सप्लाई। मेन सप्लाई टू हम लोग यहाँ पे 1 इंच दिया, आप लोग को पानी का कितना क्वांटिटी होगा इसका हिसाब से, बस्ती का कितना बड़ा बस्ती होगा, कितना सप्लाई बड़ा होगा, सोर्स कितना होगा, इसका ऊपर डिपेंड करके पाइप का साइज होगा। 1 इंच दिया तो 1 इंच से सप्लाई आया, सोर्स से आ गया। यहाँ से सपोज 2 बस्ती गया, इधर में 1 बस्ती गया, इधर में 1 बस्ती गया, लेकिन इधर में हम लोग कनेक्शन देने नहीं सका है, खाली ये बस्ती में अभी शुरू हुआ, इधर में थोड़ा बाद में देगा बोल के, लेकिन हम लोग यहाँ में प्रोविजन तो रख दिया। यहाँ से हम लोग क्या करेगा, एड करके जाएगा, और ये इधर में बस्ती जाएगा, इधर जाएगा बोल के यहाँ से पाइप का साइज थोड़ा छोटा कर दिया, नेक्स्ट 3x4 इंच, यहाँ में भी 3x4 इंच जाएगा। तो ये 3x4 इंच का आया, उससे नेक्स्ट छोटा साइज आके ये हम लोग सर्विस लाइन दिया है, ये 1/2 इंच का दिया है सर्विस लाइन, ऐसा करके सर्विस लाइन दिया है। खाली 2 दिखाया हम लोग जस्ट एग्जांपल, ये और ये सर्विस लाइन है, सर्विस लाइन दिया, और इधर से फिर एक्सटेंशन है, आगे में भी आदमी है लेकिन हम लोग कनेक्शन अभी तक दे नहीं सका है, तो उसको पाइप को कभी बीच में खुलने के लिए ये यूनियन सॉकेट भी रखा है। यूनियन मतलब दोनों को एक साथ ज्वाइन करके, कभी पूरा एक साइड से खुलना पड़ेगा, इसलिए खुलना नहीं पड़ेगा, इसलिए उसमें बीच में यूनियन सॉकेट रखा है। फिर यहाँ से पानी निकल जाएगा ना, इसलिए हेल्प से उसको बंद करके रखा है, जरूरी पड़ने से हम लोग यहाँ से एक्सटेंड करेगा। ठीक है, समझा आप लोग? सर थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। और सबसे पहले मैं सर को थैंक्स बोलना चाहूँगा, सर ने मेरा साथ दिया है इसलिए हम वीडियो शूट कर पाया। तो सर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको दिल से थैंक यू सो मच, एंड मेरा व्यूअर्स को भी थैंक यू, आप सभी लोगों को जो लोग मेरा सब्सक्राइबर है, मेरा व्यूअर्स है, उन सभी लोगों को मेरे दिल से थैंक यू, क्योंकि आप सभी लोगों का वजह से मेरा चैनल इतना टॉप पहुँच पाया। अभी 3000 फैमिली होने वाला है, आई मीन 3000 सब्सक्राइबर होने वाला है यूट्यूब में। आई होप ये मान में आप लोग कंप्लीट कर ही देगा 3000। तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं, बाय बाय।